हेलो जी, सत श्री अकाल। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਮਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਟ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਓ, ਕਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ 25 ਇਅਰਸ ਅਗੋ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਾ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਵੇਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। One day, आज भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दर हकीकत यहूद की रेशा दवानी, दर हकीकत ज़ायनिस्ट मूवमेंट तकरीबन 100 बरस पहले जो शुरू हुई, उससे भी 125 बरस पहले ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी, वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था यहूदियों की साथ, वो आज तक चल रही है। आज भी यहूदी है कि जो इस्लाम का खात्मा और मुसलमानों को अपने कमीकारी बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा बनाकर आ चुके हैं, और आज दर हकीकत आपका असल दुश्मन मैं बिल्कुल 1995 भी है हमारा बयान है, और आ जाइए हो रहे हैं हमारे से और आपके अंदर मौजूद ये मगर पे असल दुश्मन ये नफ्स से बा हम कम तरफ फिरौन नहीं, लेकिन उराउन इराउन जो गाजा में हो रहे हैं, बाप रे फिलिस्तीन में हो रहे हैं, ये जो हो रहे हैं। लेकिन ये कि उस वक्त के और इस वक्त के हालात में एक बड़ा फर्क पाते हैं। आज यहूदी ईसाई पर मुसल्लत हो चुका, यहूदियों ने पूरा आलम ईसाईयत फतह कर लिया, आज पूरा आलम ईसाईयत यहूदियत का आलयकार बन चुका। चुनाचे पहले तो एक ही बात थी, ये तो तकरीबन 300-400 साल कबल हो चुका कि वेस्ट वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स ये तो आलयकार बन गए थे आज से सदियों पहले। इन्हीं के जरिए से यूरोप के अंदर उन्होंने सूद की इजाजत हासिल की, इन्हीं के जरिए से ये सारी फहाशी और ये सारी उरियानी का जो बाजार गर्म किया, ये दर हकीकत आजाद ख्याली लिबरलिज्म हुर्रियत हुर्रियत फिक्र हुर्रियत अमल, मैं आजाद हूँ, मैं नंगा जाना चाहता हूँ बाजार में, आप कौन होते रोकने वाले, आप अपनी आंखें बंद कर लें, हम आजाद हैं। बिल्कुल, आज लोग पागल हो चुके हैं आजादी के लिए, सच रहना चाहते हैं, आप कौन इतराज करने वाले। ये सारा यहूद की साजिश, और आपके मालूम होना चाहिए जब तक पोप का कंट्रोल था यूरोप पर, यानी अभी कैथोलिक जो ईसाइयत है वो गालिब थी, उस वक्त तक पूरे यूरोप में सूद हराम था, कहीं इंटरेस्ट का कारोबार नहीं हो सकता था। ये प्रोटेस्टेंट्स के जरिए से उसकी इजाजत हासिल की, नतीजा ये निकला। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक इस सदी के आगाज में गया था यूरोप, और वहां जाकर उसने देख लिया था फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में, माशी एतबार से यहूदियों ने पूरे यूरोप के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। और ये यहूदी कौन थे, रॉथचाइल्ड्स गोल्डस्मिथ्स। बहरहाल मुझे जो दूसरी बात कहनी थी वो ये कि युरीदून अन युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम, उस वक्त भी यहूदी था आज भी यहूदी, लेकिन फर्क ये वाकई हुआ है कि उस वक्त यहूदी के कंट्रोल में ईसाई नहीं थे, बल्कि 1200 बरस तक यहूदियों के ऊपर जुल्म और सितम बल्कि होता रहा ईसाइयों के हाथों। अच्छा, पूरे यूरोप में परसिक्यूटेड थे, इन्हें अगर कहीं सहारा मिला मुसलमानों के जरिए से स्पेन में मिला। बेन गोरियान ने खुद लिखा अपनी किताब में कि ड्यूरिंग द डायस्पोरा, ये हमारा जो इंतशार का दौर है 70 ईस्वी से जो शुरू हुआ था, इस डायस्पोरा के दौरान आवर गोल्डन पीरियड इज द पीरियड ऑफ क्रिश्चियन स्पेन,
हमारा सुनहरी दौर वही है जो मुसलमान हस्पानिया का दौर है। अच्छा, इन्हें आराम क्या मिला, इन्हें प्रोटेक्शन मिली, इन्हें ऐश मिले, और वहीं से इन्होंने ईसाइयत के अंदर लकब लगाकर और वहां से अपने रास्ते पैदा किए। और दूसरा काम ये किया, ईसाइयों की अदावत का रुख अपनी बजाय मुसलमानों की तरफ। ये है होशियारी, ये है चालाकी। दुश्मनी तो है और दुश्मनी के जज्बात को इधर के बजाय उधर कर दो। अंग्रेज क्या करके गया था हमारे साथ, ये कश्मीर का मसला क्यों पैदा हुआ? बिल्कुल खेल खेल के गए। अंग्रेज ने 200 बरस या कहीं 100 बरस हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी और साबिक हुक्मरान के खिलाफ नफरत होती है। जब कोई कौम आजाद होती है अपने साबिक हुक्मरानों के खिलाफ नफरत होती है। उस नफरत को रोका कि इनकी आपस में नफरत के लिए कश्मीर की हड्डी डाल जाओ, आपस में लड़ते रहे, आपस में लड़ते रहे, हमारे से हमारी तरफ दोस्ती का हाथ जो भी बढ़ा है ये भी। क्या बात, सही डिवाइड एंड रूल करके गए ना। जानबूझकर मसला पैदा किया गया कि ये पाकिस्तानी भी हमारे दोस्त रहे कॉमनवेल्थ में रहे, ये हिंदुस्तान भारत भी हमारा दोस्त रहे कॉमनवेल्थ में। जो भी दुश्मनी का जितना जज्बा है वो आपस में तय कर ले, बाकी हमारे लिए दोस्ती नॉलेज है ना वो हर चीज थी। मैंने ही ये काम यहूद ने किया, ईसाइयों का जो कि हुजूर के जमाने में अक्रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीन आमनू, जो करीब तरीन थे मोहब्बत के एतबार से, जिनके कुर्ब की एक मिसाल ये है कि नजाशी रहमहुल्लाह ईमान ले आए, जिनके कुर्ब की एक मिसाल ये है वो वफद आया था। ईसाइयों का वैजा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तराअयुनहुम तफीदु मिनद दम, जब उन्होंने कुरान सुना उनके आंखों से आंसुओं की नदियां रवाना हो गई। जिनकी एक मिसाल ये कि मकौकस चाहे मिस्र, उसने हुजूर के एलची का एहसास किया था और वहां से हदीये भेजे थे। जिनके करीब होने की एक निशानी यह है कि हरकल चाहता था कि मुसलमान हो जाए, लेकिन बस ये कि वो हुकूमत और सल्तनत पांव की बेड़ी बनकर पड़ी रह गई। चाहता था पूरी सल्तनत मुसलमान हो जाए, जैसे कभी पूरी सल्तनत ईसाई हो गई थी कॉन्स्टेंटाइन के दौरान। ये काम हो नहीं सका महमूद, इस कदर करीब थे ये नसारा मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू के। लेकिन ये कि आपको मालूम है 10वीं सदी ईस्वी के बाद से वो नफरत का धारा सलीबी जंगों की शक्ल में आलम इस्लाम पर टूट पड़ा, और उसके बाद हाल ही में जो फतह इन्होंने हासिल की, नोट कर लीजिए कि जहां तक प्रोटेस्टेंट मजहब का ताल्लुक है वो तो पहले से इनकी जेब में था। ये वेस्ट का लफ्ज आपने पढ़ा होगा और अखबार में आता रहा, खलीज की जंग के दौरान वेस्ट एक तो कहते हैं ये भीड़ जो काट जाती है सूझ जाता है, एक वेस्ट मुखफ्फफ है, वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट्स, सबसे पहले यहूद ने उन्हें शिकार किया, अपना आलायकार बनाया। यही वजह है आपको मालूम है 1917 में अंग्रेजों के जरिए से उन्हें ये इजाजत मिली कि फिलिस्तीन में जमीनें भी खरीद सकते हैं, जायदादें भी खरीद सकते हैं। बालफोर डिक्लेरेशन, हिंदुस्तान इंग्लिस्तान का वजीर खारजा था जिसने ये इजाजत दिलवाई है, वरना यह कि खिलाफत उस्मानिया जब तक कायम रही है, इतने साल पहले भी है साजिश, साजिश चलती है आज सामने लोग सामने आ रहे हैं। कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये भी यरूशलम के ईसाइयों ने सरेंडर किया है, यरूशलम हजरत उमर आए हैं, तशरीफ लाए हैं मदीना मुनव्वरा से चार्ज लेने के लिए, उस वक्त जो ट्रीटी लिखी गई है, जो मुआहदा हुआ है, उसमें वहां के यहूदियों यहां के ईसाइयों ने तय कराया था कि यहां आप यहूदियों को आबाद होने की इजाजत नहीं देंगे। यहूदी आ सकता है, ज़ियारत कर सकता है, अपने मातम मुकद्दसा को आकर देख सकता है, यहाँ आबाद नहीं हो सकता। और ये कौन शर्तकराई ईसाई, उस वक्त तक ईसाइयों की दुश्मनी यहूदियों के साथ इस दर्जे में थी। और यही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो शर्त थी कि सलातीन उस्मानिया, खुलफाए उस्मानिया ने भी, हालांकि यहूदियों ने बड़ी से बड़ी रिश्वत देने की कोशिश की है, सुल्तान अब्दुल हमीद खान को यूं समझिए कि सीमो दर से खरीदने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद उनका कि जो फैसला हजरत उमर कर गए थे, जो कमिटमेंट रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी है, मैं उससे सरे मुंह इन्हिराफ नहीं कर सकता। असल में उसी की तो सदा है जो फ्री मेसनरी के जरिए से खिलाफत का खात्मा कराया गया, कि यही सबसे बड़ी रुकावट है। अगर खिलाफत खत्म न होती और अगर कहीं जिहाद का ऐलान खलीफा उस्मानी की तरफ से हो गया होता तो ये कही थी बात, जब हजरत शेख उलिंद रहमतुल्लाह अलैह जब ये असीरी में थे माल्टा में,
तो वहां कांग्रेस कमांडर उसने क्योंकि वो कुछ मुरीद हो गया था या कम से कम अकीदतमंद हो गया था, एक रोज हजरत शेखुल हिंद ने उनसे सवाल किया उस शख्स से कि आप लोग हमारी खिलाफत के पीछे क्यों पड़े हुए, ये तो बीमार तुम खुद कहते हो, यूरोप का मर्द बीमार तुर्की, आपको क्या डर है इसे? आप क्यों इस बेचारी खिलाफत के दर पे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया था, मौलाना इतने भोलपन के साथ बात ना कीजिए, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, अगर कहीं खिलाफत उस्मानिया की तरफ से जिहाद का ऐलान हो गया तो पूरे आलम इस्लाम से लाखों मुसलमान अपने सरों से कफन बांध कर निकल आए। आज इस गए गुजरे दौर में भी इस कमजोर और यूं समझिए कि नाम लिहाज खिलाफत के अंदर इतनी जान है, इतनी तंग है, लिहाजा उसको खत्म किया गया। और खत्म कराया गया किनके जरिए से? वो जो मुसलमान कहलाते हैं थे फ्री मेसन, मुस्तफा कमाल पाशा फ्री मेसन, और उसके जरिए से इन्होंने सारे काम जो करवाए वो दर हकीकत अपने साजिशों के जरिए से और मुसलमानों को इस्तेमाल करके। बहरहाल बात लंबी हो रही है, पहली बात तो ये है कि वही नक्शा उस वक्त का आज भी है जहां तक यहूदियों का ताल्लुक है, लेकिन फर्क ये वाकई हो गया कि उस वक्त ईसाई यहूदियों के ताबे नहीं थे बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के माबेन दुश्मनी थी। आज यहूदी ईसाइयों पर मुसल्लत हो चुका है, फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में है, और आज के फरंग का लीडर अमेरिका है, अमेरिका का सदर सारा करम का इन यहूदियों का गुलाम है, मजाक नहीं कि उनकी मर्जी से इधर से उधर हो जाए, और अगर कोई गलती से इधर से उधर हो जाए तो उसका पत्ता चाक हो जाएगा। आप देखिए क्या हशर हुआ है बुश का, हालांकि बहुत बड़ा हीरो बनकर निकला था गल्फ वॉर से, लेकिन जरा सा एक बयान दे दिया था कि जो इसराइल को पसंद नहीं आया तो जो इलेक्शन में चारों शाने जीत हुआ है उसका जो हशर हुआ है वो देखिए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आज भी यहूदी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसमें आज जो सी है जो वीडियो देखी है बहुत ही हैरान कर देने वाली वीडियो सी डॉक्टर इसरार अहमद दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बारे, और मैं हैरान हुआ ए बयान 1995 दा, और उन्होंने देखो पिछली कितनी नॉलेज है कि किस तरह हजरत दे इस टाइम ते भी आंदा आया यहूदिया ने ता ही अपना हो कि ता स्पेन इच की होया यूरोप इच की होया पूरा उन्होंने सब दी पता है कि यहूदी इसराइल वाले जड़ा सी है ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੌਬਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੱਚੀ। ਮੈਂ ਪਰ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਐਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਬ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।